टनल में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको आम मजदूरी से 50% एक्स्ट्रा जो मजदूरी मिलती है। उसी तरह जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत कठिन परिस्थितियों में करते हैं, जहाँ बहुत सी बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है और बहुत सारी गैसें वहाँ उत्पन्न होती है। तो उस डिमांड को लेकर भी आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमें 50% अधिक वेतन दिया जाए। उसके बाद जो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में हम एसटीपी को लाने का एक डिमांड यहाँ पर लेके आए हैं कि हमारे जो एसटीपीज हैं वो 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं और जो लाइट वहाँ यूज़ होती है वो भी 3 फेज की लाइट यूज़ होती है और उसके साथ वहाँ जो गंदा पानी आता है उसको हम साफ़ पानी करके प्रोडक्शन वहाँ करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ ऑर्गेनिक खाद का भी प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो एसटीपी है वो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में। उसके बाद एक मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 है, उस एक्ट को भी यहाँ लागू किया जाए। उसके तहत हमें जो सुरक्षा उपकरण है वो मिलने चाहिए जो हमें नहीं मिलते हैं। उसके अलावा सभी मजदूर, जितने भी हमारे मजदूर हैं जिसमें हमारे जो मुख्यतः जो नेटवर्क के मजदूर हैं वो कई बार बहुत सारी बड़ी कॉलोनियों में या आर्मी के क्षेत्र में जब काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनको पहचान पत्र उनसे मांगा जाता है। तो इस विभाग ने पहचान पत्र भी हमें अभी तक नहीं दिए गए, उसकी भी हम डिमांड करते हैं। उसके अलावा जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर जो महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि करोड़ों रुपए वहाँ की अपग्रेडेशन के लिए लगाए जा रहे हैं लेकिन एक टॉयलेट और कपड़े चेंज करने की फैसिलिटी ये मजदूरों को नहीं दी जा रही है। उसके अलावा हमारे एसटीपीज में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड जो पूरे शहर को पानी प्रोवाइड करता है, सर्विस करता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे एसटीपी जो साइटें हैं जितनी भी वहाँ पर पीने की पानी की सुविधा मजदूरों के लिए अभी तक नहीं की गई है। उसके अलावा यहाँ स्टाफ क्वार्टर वहाँ पर बने हुए हैं जो 20 साल पुराने हो चुके हैं, उनकी मरम्मत और उसमें पानी की फैसिलिटी हो गई, लाइट की फैसिलिटी, वो भी एक हमारी डिमांड है, उसको भी दुरुस्त किया जाए। उसके अलावा जो हमारे मजदूर हैं उनको वर्दियाँ भी नहीं मिल रही है। 2020 में लास्ट टाइम वर्दियाँ मिली थी और उसके बाद आज 4 साल हो गए जो वर्दियाँ नहीं मिल रही है। तो हमने एक डिमांड ये भी रखी है कि हमें सर्दी और गर्मी के अनुसार ही और साल में 2 वर्दियाँ दी जाए। इन इश्यूज को लेकर आपने कभी विभागीय रूप से भी लिखा है विभाग को, जिसमें कोई जवाब आया, क्या आया उसमें? इससे पहले ये हमारी काफ़ी लंबी लड़ाई चल चुकी है। अब आप खुद ही सोच लो कि 2020 से जब वर्दी नहीं मिली है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम पहले कभी ना आए हों। कई बार टेबल टॉक भी हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तभी आज हमें इस प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पहुँचना पड़ा जब हमारी मांगों को नहीं सुना गया। इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल झंडे का लाल सलाम।